Assalamu alaikum hope you all are good today in this video i'll talking about anxiety disorder i have divided this disorder in two parts first part i'm sharing today in today's video i'll explain separation anxiety disorder selective mutism क्स्ट वीडियो सो लेट्स बिगेन दिडियो सेप्रेशन एनजाइटी डिसऑर्डर इस डिसडर में सिग्निफिकेंट केयर गिवर से दूर हो जाने का खतरा होता है कि कहीं अलग ना कर दिया जाए या अटैचमेंट फिगर जो है वो कहीं मैं खो ना दूँ कहीं वो मर ना जाए या कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊँ जिसकी वजह से मैं अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाऊँ ठीक है इसमें ख़तरा होता है दूर हो जाने का सेपरेशन एन्ज़ाइटी डिसऑर्डर का हम क्राइटेरिया देखेंगे डीएसएम के मुताबिक इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इनमें एक्सेसिव डिस्ट्रेस होगा जब ये लोग या तो एक्सपीरियंस कर होंगे या उसके बारे में सोच रहे होंगे कि इन्हें सेपरेट किया जा रहा है या सेपरेट हो जाएंगे ये लोग किससे या तो घर से या फिर किसी भी अटैचमेंट है वो या तो पर्सन हो सकता है या प्लेस हो सकती है या थिंग हो सकती है ठीक है सेकंड पॉइंट है इन लोगों को बहुत वरी होगी कि या तो ये मेजर अटैचमेंट फिगर को खो देंगे या ये लोग अवॉइड करने लग जाते हैं उन प्लेसेस पे जाना जहाँ पॉसि इन्हें हो कि पॉसिबल हार्म हो सकता है या कोई इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से ये लोग खो देंगे अटैचमेंट फिगर को ठीक है थर्ड पॉइंट इज़ इन लोगों को एक्सेसिव फेयर होगा और ये लोग हिंच जाएँगे अकेला रहने में कि ये अकेले रह जाएंगे कुछ इस तरह की इन लोगों इन लोगों को डर होता है फोर्थ पॉइंट में है कि ये लोग अकेले सोने से मना करेंगे क्योंकि इन्हें डर होगा कि कहीं अकेले सोएंगे तो अटैचमेंट फिगर इनसे दूर ना हो जाए फिफ्थ में होगा कि इन लोगों को डर होगा अकेले रह जाने का सिक्स में है रिपीटेड नाइट आएंगे इन लोगों को और वो किससे रिलेटेड होंगे सेपरेशन से रिलेटेड फिज़िकल सिम्टम्स जो ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनमें हैरिक है वोमिटिंग नोज़िया एंड स्टमक एक्स उसके बाद एट पॉइंट है इन लोगों को एक्सेसिव वरी होगी अबाउट बीइंग लॉस्ट, एक्सीडेंट और किडनैप। ये पॉइंट मैं पहले बता चुकी हूँ नाइन्थ पॉइंट में है कि इन लोगों को सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होगा किन एरियाज़ में सोशल एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल में क्योंकि इन लोग ये लोग ना तो अपनी अकैडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ना ये लोग अपनी सोशल लाइफ में इंटरेक्ट कर पाएंगे और इन लोगों की डेली फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयड हो जाएगी इसकी ड्यूरेशन देखते हैं बच्चों में फ़ोर वीक्स है एंड अडल्ट में सिक्स मंथ है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर चार हफ्तों से ये बच्चों में सिम्टम्स रिपीट हो रहे हैं हम देख रहे हैं तो ये सप्रेशन एनजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज कर देंगे नाउ नेक्स्ट इज़ सेलेक्टिव म्यूटिज़म म्यूटिज़म क्या होता है जो कि साइलेंट होते हैं हर सेटिंग में मतलब जिप अप ठीक है सेलेक्टिव क्या होता है कुछ सेलेक्टिव सेटिंग्स में म्यूट होंगे और इसकी ड्यूरेशन क्या है एक मंथ एक मंथ तक अगर एक बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा ठीक है तो हम ये कर सकते हैं लेकिन यह याद रहे कि उसका स्कूल जाने वाला पहला मंथ जो है वो ना हो अगर बच्चा यानी कि स्कूल जा रहा है और उस फर्स्ट मंथ में वो नहीं बोल रहा तो हम उसे ये वाला डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका एडजस्टमेंट पीरियड होता है ठीक है और एक और बात भी हम ध्यान में रखेंगे कि उसमें उनकी जो लैंग्वेज है ना वो लैंग्वेज डिवेलपमेंट जो है वो फुली फंक्शनड हो बच्चे के चुप होने की वजह ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है ठीक है या उसे कोई किसी किस्म का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जैसे चाइल्ड हुड ऑनसेड डिसऑर्डर है या फिर ऑटिज़म के बच्चे हैं ये वजूहत नहीं होनी चाहिए उनके चुप होने के पीछे ठीक है और हमें बल्कि इन बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बिल्कुल हैं और इसकी मेन रीज़न क्योंकि मैं कॉजेज़ बाद में बताऊंगी अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू डिसऑर्डर्स है इसके बाद मैं आपको इनकी काज़ भी बताऊंगी कि ये किस किस वजह से होते हैं लेकिन ये मैं यहाँ इस पॉइंट पे बता देती हूँ कि ये जो सेलेक्टिव म्यूटीजन के बच्चे होते हैं इनका मेन रीज़न जो है ये अब्यूज़ भी होता है इन्हें फिज़िकल अब्यूज़ होता है रेप हो सकता है इनका जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं क्योंकि इस छोटी एज में मोस्टली uh, ये होता है तो हमें इन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये चुप हैं तो ये क्यों हैं नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिक फोबिया जो फोबिया है वो होता वो भी डर ही है जैसे फेयर डर है फोबिया भी डर है लेकिन इसमें इस फोबिया में इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सट्रीम पे पहुँच जाती है ठीक है अब फोबिया जो है वो कंडीशन है ठीक है मार्क फेयर और एन्जाइटी अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन ठीक है अब um, इसमें क्या होते हैं कि एक या तो रियल होगा फेयर या फिर एंटीसिपेटेड होगा ठीक है लेकिन इसमें इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस से होगी जो कि या ब्लड हो सकता है या इंजेक्शन हो सकता है या कोई इंसेक्ट हो सकता है ठीक है इसकी जो ड्यूरेशन है वो सिक्स मंथ्स होगी और ये हमारी जो हमारी सोशल लाइफ है जो हमारी हमारे जो भी एकेडमिक लाइफ है जो हमारा बिहेवियर है ये सब उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा हमारा बिहेवियर ठीक है ये हमारा जो फेयर है हमारा इंटेंस फेयर है ये बहुत ज़्यादा हमारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब करेगा ठीक है इसमें जो सिम्टम्स जो ये इस स्पेसिफ़िक फोबिया में जो सिम्टम्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उसमें फोबिक ऑब्जेक्ट को या किसी सिचुएशन जो है कोई भी फोबिक सिचुएशन जो है वो हमेशा प्रोवोक करेगी फेयर और एन्जाइटी सेकेंड में होगा कि हम लोग अवॉइड करेंगे स्पेसिफिक स्टिमुलस को और हम लोगों को एन्जाइटी होने लग जाएगी उसे देख के और जो हमारा फेयर और एन्जाइटी है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन होगा मतलब एक्चुअल से ज़्यादा होगा ठीक है और जो इसकी ड्यूरेशन है वो सिक्स मंथ तक प्रजिस्ट करेगी ठीक है नाउ नेक्स्ट इज सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर सोशल सिचुएशनस एनजाइटी हो रही है और जो सोशल सिचुएशन हैं वो डर और इन्जाइटी जो हैं वो प्रोवोक करेंगी इसकी वजह से सोशल प्लेसेस सोशल सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे इंटरेक्ट करने का खौफ होगा डर होगा इसकी वजह से किसी से बात नहीं कर पाएंगे फेयर और इन्जाइटी ऑफ बींग जज्ड इन्हें हर वक्त डर लगा रहेगा कि लोग इन्हें जज करें इसकी वजह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे किसी से बात नहीं करेंगे किसी से मिलेंगे नहीं आउट ऑफ प्रपोशन एन्जाइटी होगी ठीक है जब इन्हें लगेगा कि किसी सोशल सिचुएशन या किसी किसी जगह पे जाना है किसी ऐसी गैदरिंग में जाना है जहाँ इनको इ, इनको इंटरेक्शन करना पड़ जाएगा इन्हें डल इन्हें फॉर एन्जाइटी होने लग जाएगी इसकी ड्यूरेशन सिक्स मंथ्स है ठीक है और इसमें यह है कि ये किसी भी ऐसा नहीं है कि तरह मॉल्स में जाने से डरेंगे यानी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये किसी भी मतलब क्राउडेड जगह से डरेंगे ये सिर्फ उस जगह से डरेंगे जहाँ से इनका इंटरेक्शन करने का कोई लिंक बनता होगा इन्हें डर होगा कि कहीं इन्हें इंटरेक्शन करना पड़ेगा किसी से बात करनी पड़ जाएगी किसी से मिलना पड़ जाएगा या लोग इसे देखेंगे इसे जज करेंगे इसके बारे में बातें करेंगे तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करने लग जाएंगे इनमें इनके सिम्टम्स में यही है कि इनके इनके चीख स्टेड होने लग जाएंगे इनके सर में दर्द होने लग जाएगा इनके पेट में दर्द होने लग जाएगा इनको इनके गले में खराश होने लग जाएगी इनका इनको स्ट्रटरिंग होने लग जाएगी बात नहीं कर पाएंगे मुँह से इनके अल्फाज नहीं निकलेंगे गलत निकलने लग जाएंगे डरेंगे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी ठीक है ये सोशल इन्जाइटी डिसऑर्डर है थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू